हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी मोटापे को छूमंतर आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस जूस का सेवन करके आप अपने मोटापे को बहुत अधिक घटा सकते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो हर दूसरा व्यक्ति मोटापे की चपेट में आ चुका है, जिसके निजात पाने के लिए आप हर तरह के उपाय अपनाते हैं। रोज जिम जाना, योगा, डाइटिंग करते हैं। कई लोग तो मोटापे से निजात पाने के लिए दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इस मोटापे से मुक्ति पा सकें। लेकिन आप जानते हैं कि इन दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा तेज़ी से घटे, तो आप इस जूस का सेवन ज़रूर करिए, जिसका सेवन रात के समय करने से आपको जल्द ही मोटापे से निजात मिल जाएगा। इस जूस को बनाने के लिए आपको किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ये सभी चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनाना है ये जूस। इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। एक नींबू कटा हुआ, एक गिलास पानी, एक खीरा, एक चम्मच पिसा हुआ अदरक, एक चम्मच एलोवेरा जूस और थोड़ा सा हरा धनिया। अब आपको जूस कैसे बनाना है। सबसे पहले इन चीज़ों को लेकर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें, फिर इसे रात को सोने से पहले पिएं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रात को लेने से आपके शरीर से फैट को कम करते हैं, जिससे आपका मोटापा कम होता है। इसके अलावा ये जूस आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को गति देगा, और जिस समय आप नींद में होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म सक्रिय होकर मोटापा कम करने में सहायक होगा। रोज़ इस जूस का सेवन करने से आपका मोटापा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको मोटापे से बहुत ही जल्दी निजात मिल जाएगा। ख़ास तौर से पेट की चर्बी को कम करने में ये बेहद काम की चीज़ है, इसलिए इसका सेवन रोज़ करें। तो इस जूस को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस जूस को बनाइए और रोज़ाना आधा ग्लास इस जूस का सेवन करिए। अगर रात को सोते समय इस जूस का सेवन करेंगे, इसका असर बहुत जल्दी आपको दिखाई दे जाएगा, आपका मोटापा बहुत जल्दी घट जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना हेल्दी टिप्स और हेल्थ बेनिफिट्स के नए नए तरीके लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।